तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो है एलपीजी गैस की ये कैन होती है, इसको ओनली ₹5 में फुल करने वाले हैं। अगर हमारी कैन खाली हो चुकी है, इसके अंदर कुछ नहीं है, देख सकते हो आप, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी बहुत हवा है और ये खाली हो गई है, तो इसको ₹5 में कैसे रिफिल कर सकते हैं फिर से यूज करने के लिए। तो गाइस हमने क्या किया, एक बोतल का हमने ढक्कन कट कर लिया है, देखिए गाइस इस तरीके से हमने बोतल का ढक्कन कट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे हम गाइस, इसमें इसके अंदर से पहले तो हम सारी गैस को निकालेंगे, जो भी प्रेशर है सबको रिलीज कर लेंगे इसके अंदर से। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे रखकर या फिर हम इस ढक्कन को यहाँ पे रखकर एक मार्किंग करके इसमें होल कर लेंगे गाइस। हम इस मार्कर की हेल्प से यहाँ पे निशान मार लेंगे, कहीं पे भी एक तरफ में मार लेते हैं, यहीं पे इसमें बीचों बीच। तो हमने यहाँ पे निशान मार लिया है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे गाइस, हमें इसको कट कर लेना है यहाँ से, इसको हम ब्लेड या आपका ड्रिल हो तो उसकी हेल्प से इसको कट कर लेंगे यहाँ। तो देखिए गाइस हमने इसको यहाँ से कट कर लिया है, इसको निकाल लिया है, और जो हमने इसका बोतल का ढक्कन का वो कट किया था, इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जा रहा है, देखिए गाइस इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसके चारों तरफ में MC या फिर LP किसी भी चीज हम इसको हवा प्रूफ कर देंगे, जो इसके अंदर प्रेशर बनेगा वो यहाँ से ना निकल सके, इसको ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे। गाइस हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके चारों तरफ में LP लगाकर MC लगा लेंगे, जिससे हमारी बिल्कुल हवा प्रूफ बन जाएगी, प्रेशर को झेल पाएगी। और देखिए गाइस हमारे पास यह है MC और यह हमारे पास LP सुपर ग्लू, तो इसकी हेल्प से भी आप इसको कर सकते हो। अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो इसमें LP लगाकर ऊपर से आप बेकिंग सोडा लगा सकते हो, जिससे हमारी ये हवा प्रूफ हो जाएगी। चलिए गाइस हम पहले इससे ही फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें अभी वीडियो बनानी अर्जेंट चाहिए, तो कर लेते हैं गाइस। तो देखिए गाइस हम यहाँ पे इसके चारों तरफ में सुपर ग्लू लगा देंगे, और इसे लगाने के बाद हम इसके चारों तरफ में बेकिंग सोडा लगा देंगे गाइस। देखिए इस प्रकार से ये हवा प्रूफ बन जाएगी गाइस। देखिए हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर लिया है, इसको बेकिंग सोडा और फेविक्विक एलपी हेल्प से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एमसी लगाते हैं तो काफी टाइम लगता है इसको सुखाने के लिए। तो आपको दिखाने के लिए हमने इसको इससे फिक्स कर लिया है, आप इसमें LP लगा लेना, जिससे कि और मजबूती हो जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, हम लेंगे कैल्शियम कार्बाइड, इससे अगर कैल्शियम कार्बाइड को हम डालते हैं पानी के साथ में, तो इससे बनती है एथिलीन गैस। तो एथिलीन गैस हमारी इसमें आग लगाएगी, एथिलीन गैस भी एक ज्वलनशील गैस है। इसमें हम पानी डाल के एथिलीन गैस के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे और हमारी गैस बन जाएगी, हम काम में ले सकते हैं। चलिए गाइस दिखाते हैं एक बार करके। तो हमें इस कैल्शियम कार्बाइड के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे पहले, और देखिए गाइस हमने कैल्शियम कार्बाइड के छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो पहले हम इसके अंदर पानी डाल लेंगे गाइस, इसको उल्टा करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, तो इतना पानी काफी है गाइस। इसके अंदर हम अब इनको जो टुकड़े किए हैं हमने इनको डाल लेंगे, और इनको हम अगर इसके अंदर डालते हैं तो एथिलीन गैस बननी स्टार्ट हो गई गाइस, आप देख भी सकते हो। देखिए गाइस किस तरीके से इसके अंदर गैस के वो बन रहा है, तो इसमें एथिलीन गैस बन रही है गाइस। तो इसको हम ढक्कन लगा देंगे गाइस, कुछ इस प्रकार से टाइट कर देंगे ढक्कन को अच्छे से, इस नोजल को लगा लेंगे इसके ऊपर में, ये लग गई, और इसको हम पहले बंद कर लेंगे, इसके अंदर थोड़ी गैस बन जाए ताकि, और बन जाने देते हैं इसमें। और ये है हमारे पास एक मोमबत्ती, और इसको ऑन करके फिर इस पे लगाते हैं, देखिए गाइस इस तरीके से अच्छे से जल रही है। तो हमारी वही वाली कैन है गाइस, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए ये वाली कैन है। तो एक बार हम इस नोजल को यहाँ से खोल लेंगे बीच से, तो देखिए गाइस किस तरीके से अच्छे से हमारी गैस काम कर रही है, और तो देखिए गाइस कितनी अच्छी तरीके से जल रही है हमारी ये कैन। और इस तरीके से आप भी बना सकते हो घर पे, इसको फुल कर सकते हो ₹5 में।